हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डायनामिक राउटिंग विद EIGRB प्रोटोकॉल। पहले मैं आपको ये टोपोलॉजी समझा दूं। इस वक्त मेरी लैब में तीन हमने नेटवर्क बनाए हैं ब्रांच के। एक है पुणे ब्रांच जिसका लोकल एरिया नेटवर्क ये है, और एक है गोवा ब्रांच जिसका लोकल नेटवर्क ये है, और एक है मुंबई ब्रांच जिसका लोकल नेटवर्क ये है। इसके अलावा दो वैन नेटवर्क भी है हमारे जो पुणे से गोवा को जोड़ रहे हैं और गोवा से मुंबई को। और जो यहाँ पर एड्रेस सीरीज यूज हो रही है वो 20.0.0.1 मेरा इस राउटर का सीरियल इंटरफेस का एड्रेस है। क्लॉक रेट मुझे यहाँ पर असाइन करनी है क्योंकि यहाँ पर आप क्लॉक का सिंबल देख रहे हैं, तो यहाँ पे यानी DCE कनेक्शन होता है जहाँ पर हम क्लॉक रेट देते हैं। और ये वैन लिंक मेरा जा रहा है गोवा के राउटर पर, और इसका जो IP है वो 20.0.0.2। तो ये मेरा एक वैन नेटवर्क ये है और दूसरा वैन नेटवर्क ये है जो आप देख रहे हैं। ये नेटवर्क गोवा के राउटर से लेके मुंबई के राउटर तक का है, और यहाँ पर S01 जो वैन लिंक का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे S00 से कनेक्ट हो रहा है। तो मेरे पास तीन लोकल एरिया नेटवर्क है और दो वैन नेटवर्क। आइए देखें इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पुणे के राउटर से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे सबसे पहले पुणे के राउटर में। अगर आप यहाँ पर देखें दो इंटरफेस है, एक फास्ट है और एक हमारा सीरियल है, तो हमें दोनों को कन्फिगर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। तो दो इंटरफेस हैं जैसे, तो हम दोनों में एड्रेस डालेंगे FS00 IP एड्रेस। यहाँ पर 10 की सीरीज है, 10.0.0.1, उसके बाद 255.0.0.0, सॉरी यहाँ पर हम गेटवे डाल देंगे 10.0.0.10। नो शट, और इसके बाद INT S0/0, IP एड्रेस टोपोलॉजी के हिसाब से मैंने डाला 20.0.0.1, और उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शट। क्योंकि मेरा DC एंड है तो मुझे यहाँ पर क्लॉक रेट देनी होगी। क्लॉक रेट आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है तो आप कोई भी दे सकते हो। वैसे पैकेट ऐसे में क्लॉक रेट देने को कोई खास एडवांटेज नहीं है, जस्ट एक कमांड हमें रन करनी होती है। और इसके अलावा मुझे राउटर में अगर हम देखें, हम शो रन करके डू शो रन, मेरा ये राउटर नेम है पुणे, और मैंने दो एड्रेस डाल दिए यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दो इंटरफेस यहाँ पे है, एक फास्ट का है और एक सीरियल का। इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और राइट कर देता हूँ सारी इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट राउटर पर आते हैं। अगर यहाँ पर देखें हमारे पास तीन इंटरफेस हैं, S00, फास्ट और ये S01, तो तीनों को कॉन्फ़िगर करना होगा। एक एक करके तीनों को कॉन्फ़िगर करते हैं। नो इनेबल कॉन्टी, ये गोवा का राउटर है तो इसको हम यहाँ पे होस्ट गोवा लिख देते हैं, ये देखिए। इसके अलावा तो यहाँ पर तीन इंटरफेस हैं, यहाँ पे एक है INT S0/0, IP एड्रेस 20.0.0.2 है ये, और 255
डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। रियल लाइफ में आपको सीरियल इंटरफेस पे जो है सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस देता है, यहाँ पे अपनी लैब में हम कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, तो सेम सीरीज आपको लेनी होगी। तो मैंने अभी इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया, इस इंटरफेस को। अब मुझे फास्ट करना है और एक सीरियल करना है। तो फास्ट के लिए हमारी लैब में जो एड्रेस है वो है INTFA 0/0 IP एड्रेस 30 की सीरीज, IP एड्रेस 30.0.0.0, सॉरी 10.255.0.0.0, नो शट। इसके अलावा INTS 0/1, मैं S01/1 क्यों दे रहा हूँ ये देखिए, यहाँ पर ये राउटर का एड्रेस S0/1 है और मैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एड्रेस है लैब के हिसाब से वो है IP address 40.0.0.1 255.0.0.0, नो शट कर देंगे। और यहाँ पर भी क्लॉक रेट कमांड चलाएंगे, इसके बाद हम यहाँ थर्ड राउटर पर आ जाएंगे जो मुंबई का राउटर है। इनेबल कॉन्टी आई, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, होस्ट मुंबई। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास इस राउटर पर दो इंटरफेस हैं, एक है फास्ट और एक है हमारा सीरियल S00 और FA00। तो दोनों को कॉन्फ़िगर करना है हमें। INTS 0/0 IP एड्रेस लैब के हिसाब से हमने यहाँ पे 40 की सीरीज दी है, 40.0.0.2 सर्वर मास। यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और जो मेरी नेक्स्ट कमांड है नो शट। अब इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट कमांड चलानी है डू शो रन, जस्ट देखने के लिए। मेरे दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए, ये भी, और अच्छा फास्ट इथरनेट का भी एड्रेस रह गया तो हम ये भी डाल देंगे। INTFA 0/0 यहाँ पर हमारी 50 की सीरीज है, आईपी एड्रेस 50.0.0.10 और यहाँ पर 255.0.0.0, नो शट। अब अगर मैं यहाँ पर डू शो रन करके देखूँ तो मेरे दोनों इंटरफेस फास्ट इथरनेट और सी इंटरफेस कन्फिगर हो गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सब जो है राइट ग्रीन्स हो गए हैं, यानी हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया इनके बीच में। तो अब हम डेस्कटॉप पे एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर 10 की सीरीज चल रही है, 10.0.0.1 और यहाँ पे गेटवे है 10.0.0.10, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। TEN.0.0.2 और यहाँ पर 10.0.0.10, डिफॉल्ट गेटवे हमारा जो है ये इस फास्ट इथरनेट का एड्रेस है और ये हमारा एड्रेस पूरा हो चुका है पूरा 10 का नेटवर्क, और ये जो हमें ये डालना है यहाँ पे 30 का नेटवर्क। यहाँ पर जो एड्रेस डाला है वो मैंने डाला है 30 का फास्ट इथरनेट पर। आप देखें पोर्ट में, सब पोर्ट में
फास्ट ईथरनेट पोर्ट 30 की सीरीज है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि राउटर का जो फास्ट ईथरनेट का एड्रेस है वो आपके नेटवर्क से की सीरीज का एक एड्रेस होता है। तो मुझे यहाँ पर भी एड्रेस डालना होगा 30 की सीरीज का, 30.0.0.1, उसके बाद 30.0.0.10। यहाँ पे मेरे दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस आएगा वही 30 की सीरीज का, 30.0.0.2, थर्टी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टेन हमारा गेटवे का एड्रेस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी डेस्कटॉप का एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर लास्ट रह गया, इसमें हमारी 50 की सीरीज चल रही है इस नेटवर्क में। अगर आप देखें फास्ट इथरनेट पर जो एड्रेस है वो है 50.0.0.10। तो यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस, फिफ्टी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस 50.0.0.10। और यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो आएगा 50.0.0.2, और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे 50.0.0.10। तो अब हमने सभी में एड्रेस डाल दिए सभी डेस्कटॉप पे। अगर अब यहाँ पर हम कमांड चला के देखें, मेरा इसका एड्रेस है 10 की सीरीज का, ये अपने गेटवे यानी राउटर को तो पिंग करेगा लेकिन ये जो दूसरा एड्रेस है दूसरे नेटवर्क का, पिंग डॉट 30.0.0.1 को पिंग नहीं कर पाएगा। सॉरी कमांड गलत हो गई, डेस्टिनेशन होस्ट अनरिचेबल मैसेज दे रहा है क्योंकि अभी हमारी राउटिंग इनेबल नहीं है। तो अभी तक हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन करी है इसके थ्रू सिर्फ राउटर अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा और ये नेटवर्क के कंप्यूटर्स अपने राउटर से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन डाटा हमारा इस राउटर से इस सिस्टम पे अभी नहीं आएगा, फेल हो जाएगा। फेल होने का रीजन सिर्फ यही है कि अभी हमने डायनामिक राउटिंग इनेबल नहीं की है। तो अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, हमें राउटिंग इनेबल करनी है ERGRP के लिए। तो ERGRP के लिए राउटिंग बिल्कुल आसान सी है। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर इनेबल करना है, यहाँ पर कॉम टी में जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, और फर्स्ट कमांड है ERGRP की, वो है राउटर EIGRP, और हमें ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर देना पड़ता है जो कि 1 से लेके 65535। आप कोई सा भी दे सकते हैं। EIGRP की कंडीशन यही है कि ये सिर्फ सिस्को के राउटर पर रन हो सकता है, और राउटिंग की जो कंडीशन है वो ये है कि ये सिर्फ जनरली उसी राउटर पर ही अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जिसमें इनका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर सेम हो। तो यहाँ पे राउटर स्पेस EIGRP स्पेस 10 जो है हमारा ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है, मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाकी सभी राउटर्स पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो अपने नेटवर्क ने की, तो मुझे दोनों राउटर्स में जो है बाकी EIGRP 10 ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि हमारे पास नेटवर्क यहाँ पर दो हैं फर्स्ट राउटर पे, तो हम दोनों के एड्रेस डालेंगे। अगर आपको एड्रेस ना पता लग रहा हो तो आप यहाँ पे डू शो आईपी रूट कमांड चला सकते हो। दो एड्रेस हमारे पास 10.0.0 20.0.0 के, तो दोनों हमें यहाँ पे डालने होंगे।
ये राउटर की कंडीशन है EIGRP की, नेटवर्क एड्रेस हमें डालने होते हैं, वो नेटवर्क एड्रेस जो राउटर से अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। ये देखिए, तो एक फास्ट का है, उसका हमने नेटवर्क एड्रेस डाल देना है, और एक हमारा वैन का है, वह 20.0.0.0। अब हम नेक्स्ट राउटर में एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर ये राउटर के अंदर तीन इंटरफेस है, इनेबल कॉम्प्टी, पहली कमांड है राउटर EIGRP, यहाँ पर 10 देंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है वो है नेटवर्क 20.0.0.0, और उसके बाद नेटवर्क 30.0.0.0.0, और उसके बाद नेटवर्क 40 की सीरीज भी है तो 40.0.0, और इसके बाद लास्ट में जो हमारा वो है 3rd राउटर मुंबई का, जिसमें हम लिखेंगे राउटर EIGRP, सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना है 10, और यहाँ पे इसके बाद नेटवर्क, यहाँ पर दो नेटवर्क है कनेक्टेड, 40.0.0.0 और नेटवर्क 50.0.0.0। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे कमांड है डू शो IP रूट। ये देखिए, ये डी से मतलब जो है हमारा EIGRP से है, तो ये कनेक्ट हो चुका है, और जो सी है हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अगर इसको हम यहाँ पर कमांड चलाएं, डू शो IP रूट, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो एड्रेस यहाँ पे दिए होते डायरेक्टली के, और मैं अगर आप कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास पांच एड्रेस आ जाएंगे, पांचों नेटवर्क के, 10, 20 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी जो है हमारे ये EIGRP के। और अगर आप वैसे चेक करना चाहते हैं डेस्कटॉप से, आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, पिंग 30.0.0.1, ये देखिए एड्रेस का रिप्लाई आ गया मेरा। और अगर आप बाहर से चेक करना चाहते हैं, पिंग कमांड लिखना नहीं चाहते, तो ये भी एक तरीका है, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे एक क्लिक यहाँ पे कीजिए, और जहाँ आपको डाटा भेजना है, यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट टाइम फेल आता है, जब दोबारा भेजेंगे तो बिल्कुल ओके जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे। ये देखिए, इसका मतलब मेरा पिंग कमांड इसके साथ वर्क कर रहा है। और वैसे देखना चाहते हैं, इसका एड्रेस है 30.0.0.2, और इसका एड्रेस है हमारा 50.0.0.1, सॉरी 2, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, पिंग 50.0.0.2। ये देखिए, तो इस वीडियो में हमने सीखा हम EIGRP प्रोटोकॉल को कैसे कंफिगर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक करें, और सब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने YouTube ID पर रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।